गाइस मैं उत्कर्ष एफएफएन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो आज बीआर रैंक का न्यू सीजन आ रहा है एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा ना जिससे कि आपका घंटों का टाइम बचने वाला है, क्योंकि ये वाली स्ट्रेटजी ना ग्रैंड मास्टर पुशर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं एंड आपको पता नहीं है ये सारी चीजें, एंड इसी वजह से वो लोग जल्दी ग्रैंड मास्टर लगा रहते हैं एंड आप हीरोइक 5 स्टार 4 स्टार पे ही अटक जाते हो न्यू सीजन की रैंक पुशिंग में। तो आओ जानते हैं ग्रैंड मास्टर प्लेयर का सीक्रेट स्ट्रेटजी मेरे गेम प्ले के थ्रू, जिससे कि न्यू सीजन आते ही आप भी बहुत ही जल्दी ग्रैंड मास्टर पहुंच सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो न्यू सीजन एंड अपडेट के अकॉर्डिंग आपको अपना कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में थोड़े से चेंजेस करने होंगे, वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक्टिव स्किल में स्काइलर कैरेक्टर का यूज करना है, क्योंकि स्काइलर अभी बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है बीआर रैंक में, स्पेशली सोलो में। तो ये चीज आपको भी यूज करनी है। उसी के साथ में आप लोग यूज करने वाले हो ल्यूक्वेटा कैरेक्टर, जो कि सभी यूज करते हैं सोलो रैंक पुशिंग के लिए। थर्ड थिंग आपको यूज करना है नायरी कैरेक्टर, जो कि आपके वॉल को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी एनिमी जल्दी नहीं तोड़ पाएगा, तो इस चीज आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, लास्ट जोन में बहुत बेनिफिट देगा लिटरली। एंड थर्ड पैसिव स्किल में आपको लगा लेना है मीशा कैरेक्टर, क्योंकि ये कैरेक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको हमेशा बचाएगी। अगर कोई एनिमी आपसे फाइट करने आएगा देन आप गाड़ी लेके निकल सकते हो, और कभी जोन के बाहर फंस गए तो भाई टुक टुक जैसी गाड़ी का भी यूज करके मीशा कैरेक्टर के हेल्प से जोन में जा सकते हो, तो इसका बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है भाई। देखो लोड आउट आप लोग अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे लेग पॉकेट यूज करने वाले हूँ न्यू सीजन के लिए, एंड पेट में ड्रैकी पेट यूज कर लेना। ये सारी चीज एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर यूज करता है, क्योंकि मैं खुद ग्रैंड मास्टर इस सीजन पुश करने वाला हूँ। ओके, तो ग्रैंड मास्टर पुशिंग स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको एक गेम प्ले दिखाता हूँ, एंड ये एक मिस्टेक है जो आप लोग करने वाले हो न्यू सीजन पे, जो आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ। ओके, तो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि आपको इस पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे जाने के बाद आपको यहाँ बंदे मारने हैं एंड उसके बाद आपको गन मिलेगी, उसी के साथ में 4 का वेस्ट और हेलमेट मिलेगा। अब वो 4 का वेस्ट और हेलमेट लेके हम लोग जब मैच खेलने जाते हैं, हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम अब पावरफुल हो गए, हमारे पास 4 का वेस्ट और हेलमेट है, कोई भी एनिमी हमें जल्दी नहीं मार पाएगा, और यहाँ पर ये एनिमी मेरे को 1 सेकंड में निपटा देता है। भाई 4 का हेलमेट इतनी जल्दी फूट रहा है, क्या है ये? 4 का वेस्ट और हेलमेट होता तो भाई इतनी जल्दी नहीं फूटता। तो यार इस चीज के लिए आप लोग अलर्ट रहना और बिल्कुल भी मतलब इस पे ट्रस्ट मत करना। हो सकता है ये गरेना का ग्लिच हो या कुछ भी हो, बट भाई ये 4 का वेस्ट और हेलमेट उतना पावरफुल है ही नहीं जितना पावरफुल आर्सेनल और ड्रॉप पे मिलता है। ओके, तो पोर्टल वाली मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अब हम लोग जानते हैं ग्रैंड मास्टर स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर हमारा मैच स्टार्ट हो जाता है एंड हमें एक ऐसी जगह पे लैंड करना है जहाँ पर एनिमी बहुत ही कम आते हैं। ओके, तो आपके लिए मैंने कुछ प्लेसेस मार्क कर दिए, आप वहाँ पे उतर सकते हो। बाकी नेक्स्टर और कलहारी की अलग स्ट्रेटजी वीडियो आएगी ही, परगेट्री की भी अलग आएगी, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं लैंड कर रहा हूँ ना, आपको इस टाइम पे यहाँ पर बहुत ही कम एनिमी दिखने वाले हैं, बिकॉज सभी के सभी पोर्टल में जाएंगे एंड आप लोग उतरोगे अलग जगह पे जहाँ पर आपके आसपास कोई भी एनिमी नहीं होंगे एंड आप वहाँ पे जल्दी से बहुत ही अच्छी लूट कंप्लीट करोगे। तो अभी राइट साइड में एक एनिमी मेरे साथ उतरा था, तो मैं उस एनिमी को अवॉइड करके लूट पे ध्यान दिया एंड बहुत ही जल्दी लूट किया। लाइक वहाँ पे जो भी चीजें थी मैं जल्दी जल्दी लूट कर लिया एंड सीधे एक गाड़ी उठा लिया। एंड आपको भी ऐसा ही करना है न्यू सीजन पे। गाड़ी उठाने के बाद आपको कॉइन्स कलेक्ट करना है एंड कॉइन से खरीदोगे आप आर्सेनल की, एंड आर्सेनल की से आर्सेनल ओपन करके 4 का वेस्ट निकालोगे एंड आपकी फेवरेट गन्स भी मिलेगी, लाइक स्कार 3 या फिर M10-2 या फिर लेवल 3 की। तो ये सारी चीजें आपको आर्सेनल की से ही मिलेंगी एंड ये सब चीज करने के लिए ना आपको एक ऐसी प्लेस पे ही उतरना है जहाँ पर एनिमी कम आते हैं। तो वो प्लेसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैप में मार्क करके दिखा दिए हैं। एंड अब देखो यहाँ पर आप लोग ना एनिमी को अवॉइड कर देना स्टार्टिंग में, बिल्कुल भी फाइट नहीं लेनी है। उसी के साथ में आपको लूट पे बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना जल्दी लूट कर सकते हो लूट करके सीधे गाड़ी उठा के कॉइन कलेक्ट करो। जितना जल्दी कॉइन कलेक्ट करोगे उतना जल्दी आप पर्सनल लूट पाओगे एंड बाकी एनिमी से तेज चलोगे, तभी आपको फायदा भी होगा। अब यहाँ पर ही देख लो 35 बंदे अलाइव हैं। यहाँ पर मैं अब सर्वाइव करना शुरू कर दिया गाड़ी का यूज करके एंड अभी तक बहुत सारे लोग एनिमी लोग क्या कर रहे होंगे, लूट कर रहे होंगे, लूट पे ध्यान दे रहे होंगे। तो ये सारी चीजें आपको एडवांटेज देती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर फैक्ट्री पे मैं आता हूँ, एक एनिमी मेरी गाड़ी पे डैमेज करना शुरू कर देता है, मैं एनिमी को अवॉइड करता हूँ, लेकिन कब तक? जब तक एनिमी शॉर्ट रेंज में फाइट मेरे से ना करे। अब देखो लॉन्ग रेंज में अगर कोई एनिमी फाइट कर रहा है तो उससे आप गाड़ी से बच के निकल सकते हो, बट कोई भी एनिमी अगर शॉर्ट रेंज में आ जाता है तो भाई ऐसे में आपको फाइट करना ही पड़ेगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एनिमी से फाइट लेना कैसे है न्यू सीजन पे अगर शॉर्ट रेंज में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ये एनिमी शॉर्ट रेंज में मेरे से फाइट करने के लिए आता है, मैं भी गाड़ी से उतर जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं स्काइलर का यूज करके इस एनिमी के ऊपर रश करता हूँ। स्काइलर की वजह से क्या होता है, इसका वॉल लगता ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसका सोनिया इजिली
एक्टिवेट कर देता हूँ, पर तभी एक एनिमी थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मैं पहले तो इस एनिमी को क्लियर करता हूँ, इस पे जो भी काम की चीजें होती है फटाफट से उठाता हूँ एंड सीधे गाड़ी का यूज करके यहाँ से निकल जाता हूँ। अब आपकी जैसे ही पहली फाइट हो जाए ना, आपको क्या करना है, आपको सीधे घर में जाके बैठ के सर्वाइव करना शुरू कर देना है। क्योंकि देखो फर्स्ट जोन होता है, तो ऐसे में होता यह है कि एनिमी लोग दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ही कम होती है फर्स्ट जोन में। बट अगर वहीं सेकंड जोन लग गया एंड तब आप ओपन एरिया में या फिर किसी भी एनिमी के ऊपर रश करके फाइट कर रहे हो, तो ऐसे में थर्ड पार्टी बहुत गंदे तरीके से होने वाला है। तो इसी चीज से बचने के लिए मैं यहाँ पर इस घर पे आ जाता हूँ एंड इधर ही होल्ड करता हूँ, क्योंकि इधर मैं अब होल्ड करूंगा एंड अगर कोई एनिमी रश करता है तब मैं उस एनिमी से फाइट लूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर लास्ट जोन में ही एनिमी से फाइट लेना शुरू करूंगा। लेकिन सर्वाइव करने से पहले मेरे पास वेंडिंग मशीन होती है, तो यहाँ पर मैं वॉल लगा के सबसे पहले ग्लू वॉल चिप खरीदता हूँ एंड 4 एक्स्ट्रा ग्लू वॉल चिप भी मैं ऑलरेडी खरीद चुका होता हूँ। तो ये दोनों चीज आप लोग जरूर से खरीद लिया करो, जिससे कि आपको लास्ट जोन में ग्लू वॉल की कमी ना हो। एंड ये चीज तो आप लोग ध्यान से सुनना, किसी भी घर में सर्वाइव करने से पहले एक बार लैंडमाइन जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि होता क्या है पता है, कुछ एनिमीज घर पे सर्वाइव कर ही रहे होते हैं एंड उन्हें मौका भी मिलता है आपको मारने का ना, तब भी नहीं मारते। क्यों? क्योंकि पता है उन्हें कि भाई आप आओगे ऊपर में एंड ऐसे में आपकी चटनी बना देंगे वो लैंडमाइन से डैमेज देके एंड फिर अचानक से फायर देके। तो इस चीज से आपको बचना है एंड आपको एनिमी के लिए यूज करना है। किसी भी घर पे जाओ तो लैंडमाइन चेक करके जाओ एंड आपके पास लैंडमाइन है तो भाई मेरी तरह आप लोग भी लैंडमाइन लगा देना। अब इतना करने के बाद ना आपको सीधे चुपचाप एनिमी को स्पॉट करने की कोशिश करते रहना है, आपके आसपास चेक करते रहना है कि कौन एनिमी कहाँ पे है, फायर नहीं देना है बट चेक करना है, ठीक है। एंड हाँ, एक स्पेशल टिप, घर वही चूज करना है जिसमें डबल फ्लोर हो, लाइक ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे ही आप सर्वाइव करना, जिससे कि अगर कोई एनिमी सीढ़ी से ऊपर आने की कोशिश करेगा तब उसे डिफिकल्टी होगी, जिससे आप उस एनिमी को इजीली मार भी सकते हो। बट अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे ही सर्वाइव करोगे देन ऐसे में कोई भी एनिमी आपको इजीली मार सकता है एंड आप पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है बहुत इजीली। तो अब मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ, आपको सर्वाइव कब तक करना है जिससे कि आपका माइनस ना लगे। देखो सिंपल से, आपको टॉप 20 के अंदर आना है, टॉप 20 के अंदर आ जाओगे ना देन अगर आप वहां पे टॉप 20 के बाद मरते हो लाइक टॉप 19 या 18 पे, तो ऐसे में आपका माइनस नहीं लगेगा। फिलहाल एक एनिमी यहाँ पर लॉन्च पैड से मेरे घर पे आ गया है, तो मैं उस एनिमी को डील करने के लिए सबसे पहले ग्रेनेड करूंगा, क्योंकि सामने की साइड में ही एनिमी है एंड यहाँ पर मैं ग्रेनेड से ही इस एनिमी को डैमेज करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज यहाँ पर हो सकता है कि मैं उस एनिमी से शॉर्ट रेंज में ही मर जाऊं, इसीलिए मैं यहाँ पर रश नहीं कर रहा, मैं ग्रेनेड कर रहा हूं एंड यहाँ पर दो दो एनिमी है। तो भाई अच्छा डिसीजन था हमारा ग्रेनेड करने का। और ग्रेनेड करते ही मुझे एक और एनिमी का फुटस्टेप सुनाई देता है कि भाई एक एनिमी कूदा है खिड़की से एंड वो नीचे की साइड से आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही वो एनिमी ऊपर की साइड में आता है, देखो लैंडमाइन लगाया था ना, इसकी वजह से इस एनिमी को लैंडमाइन से डैमेज पड़ा एंड मैं यहाँ पर गन से भी उड़ा दिया इस एनिमी को। तो देखो जैसा कि मैंने आपको प्लान बताया था, स्ट्रेटजी बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है एंड यहाँ पर जो भी एनिमी मेरे ऊपर रश किया उसे मैं बहुत इजीली फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो जोन छोटा हो गया एंड मेरे से दूर बना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मेरी तरह मैप को ओपन करके घर पे अच्छे से मार करना है लोकेशन, जिस तरीके से मैंने किया है एंड उसके बाद यहाँ पर मैं इस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। इसको मतलब नहीं करना है आपको एंड यहाँ पर गाड़ी जो आपने पार किया है उसको यूज करना है एंड सीधे जोन के अंदर जाना है। और इस तरीके से ना आप बहुत ही सेफ जोन को कैप्चर करोगे, मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मेरे आसपास बहुत ज्यादा एनिमी है बट फिर भी मैं यहाँ पर देखो कितने इजिली जोन कैप्चर कर लिया हूँ एंड मैं जोन के अंदर भी बैठा हूँ, देख सकते हो। अब ऐसा ही मैं यहाँ पर काफी देर तक सर्वाइव करता हूँ, हम टॉप 10 के अंदर भी आ जाते हैं एंड उसके बाद जो लास्ट जोन बनता है वो हमारे जस्ट अपोजिट ही बन जाता है। बट यहाँ पर मैं गाड़ी का यूज करके जोन में आया था, तो देखो कितना ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है मेरे को यहाँ पे एंड यहीं पर ही एक एनिमी मेरे को स्पॉट होता है। देखो अब ये एनिमी क्या करता है, गाड़ी उठाता है, भागने की कोशिश करता है बट जैसे ही उतरता है मैं इस एनिमी को काफी डैमेज करता हूँ। अब ये बचने के लिए वॉल लगाता है, तो मैं यहाँ पे स्काइलर से इस एनिमी का वॉल उड़ाता हूँ एंड इस एनिमी को भी उड़ा देता हूँ। सो देखो यार, किल तो आपके निकल ही जाएंगे कैसे ना कैसे, तो किसी मैच में कम किल निकलेगा, किसी मैच में ज्यादा किल निकलेगा, बस आपको मैच को एंड तक ले जाने में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है। आपको हर एक मैच में मैच को एंड तक ले जाना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर मैच के एंड में आ चुका हूँ, लास्ट जोन बन चुका है एंड जो बातें मैंने आपको बताया ना उन्हीं सब बातों का यूज करोगे, फॉलो करोगे, उन्हें ध्यान में रखोगे तभी आप मैच के एंड में जा भी पाओगे। अगर आप भूल चुके हो तो वापस से वीडियो देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं देखो कैसे जोन को कैप्चर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैप में मेरे को ये वाला पेड़ जोन में दिख जाता है, तो मैं यहाँ पर गाड़ी से उतरता हूँ एंड इधर ही पार्क करके मैं यहाँ पर ही होल्ड करने वाला रहता हूँ एंड यहाँ पर वॉल लगा देता हूँ। एनिमी तो मेरा यहाँ पे वॉल तोड़ना शुरू कर देता है बट यहाँ पर एक ग्लिच हो जाता है कि भाई ये गाड़ी ही ऊपर उठ जाती है, बट मैं यहाँ पर नायरी वॉल लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैं वॉल लगाता हूँ फिर लेफ्ट वाले एनिमी को मैं यहाँ पर डैमेज करने लगता हूँ, तभी राइट वाला एनिमी मेरे को डैमेज करता है। तो यहाँ पे वॉल लगा के अपने आप को सबसे पहले सेव करता हूँ एंड अपने आप को हील कर लेता हूँ। अब हील करने के बाद अभी भी 4 बंदे बच रहे हैं, मतलब 3 एनिमी है, मैं यहाँ पे कवर से निकलता ही नहीं हूँ एंड यहाँ पर ये अब वॉल जल्दी कोई तोड़ ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ नायरी कैरेक्टर। एंड अगर कोई एनिमी मेरा वॉल तोड़ने की कोशिश करता है या तोड़ भी देता है तो उसकी एमओ ही खत्म हो जाएगी, जो कि लास्ट जोन में कोई भी नहीं जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे वॉल लगा के अपने आप को बहुत इजीली लास्ट जोन में परमानेंट कवर जैसे कवर में सेव कर लेता हूँ एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी भी कर लेता हूँ लेफ्ट साइड में। अब देखो कभी कभार ना जैसे 3 एनिमी बच रहे हैं, 2 एनिमी बच रहे हैं, तो आपको क्या करना है पता है, आपको ना अपने एनिमी को ही सपोर्ट करना है। कैसे, मैं
आपको बताता हूँ, एक एनिमी टॉप पे बैठा है मतलब एडवांटेज में है हाइट के, तो यहाँ पर मैं नीचे वाले को डैमेज करना शुरू कर देता हूँ, जिसकी वजह से ऊपर वाला भी इस एनिमी को डैमेज करता है एंड मैं यहाँ पर इसे एक दो गोली मार के फिनिश कर देता हूँ एंड हो जाता है 5 किल। देखो मैं यहाँ पे किल के लिए जा भी नहीं रहा था बट यहाँ पर हमारे किल हो रहे हैं। अब लास्ट वाला एनिमी बच रहा होता है तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पता है, मैं होल्ड करता हूँ क्योंकि मैं अब इस एनिमी को फंसा के मारूंगा। देखो लास्ट वाला एनिमी जो होता है ना वो भी आप ही की तरह बहुत ही मेहनत से लास्ट जोन में लास्ट एनिमी 1v1 करने आता है, तो इसीलिए लास्ट वाले एनिमी से फाइट जीतने के लिए ना आपको एक ऐसी प्लानिंग करनी होती है जिसमें एनिमी बहुत गंदे तरीके से फंस जाए, उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे एंड आपको वो मार भी ना पाए एंड आप उसे इजीली मार पाओ। तो यहाँ पर मैं करता क्या हूँ पता है, मैं पहले इसे जोन में आने देता हूँ एंड इसे थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरा स्काइलर चार्ज हो रहा है, जैसे ही चार्ज होगा मैं यहाँ पर स्काइलर छोड़ूंगा एंड रश कर दूंगा इस एनिमी पे। ये देखो मैंने यहाँ पर अभी इस एनिमी के ऊपर रश कर दिया, इस एनिमी को काफी डैमेज भी कर दिया है। अब ये एनिमी क्या करता है, पीछे की साइड में चला जाता है, मैं भी पीछे की साइड में ही यहाँ पर आ जाता हूँ। अब ये एनिमी को फिर से डैमेज दिया, अब ये एनिमी जैसे ही बाहर निकलता है इस कार से ही मैं इस एनिमी को बहुत इजीली फिनिश कर देता हूँ। अब इसके पास कोई चांस ही नहीं बचा था ना, इसीलिए ये मैच हमारा हो जाता है भूया भूया भूया। ठीक है, अब इस तरीके से आप लोग हर मैच को भूया निकाल सकते हो, कुछ मैचेस भूया नहीं भी निकलेंगे कोई बात नहीं, बट आपको अच्छा खासा प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा और इस तरीके से आप लोग बहुत ही जल्दी ग्रैंड मास्टर भी लगा लोगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना एंड अगर आपको नहीं पता कि भाई 6 ईयर ओल्ड आईडी में क्या क्या यूनिक चीजें हो सकती है देन आप सामने वाले वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपको उन वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।